Hello everybody. So today we are going to start with immunity, where we left in last video. So immunity kya hoti hai? Immunity is the overall ability of a body, of a host, to fight with foreign microbes so as to protect their body. And this property is conferred by immune system. So isse immunity kehte hain. यानी कि किसी भी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाए. और जो प्रॉपर्टी हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, कन्फर करता है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं. इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक तो इननेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी हमारे बर्थ के टाइम से हमें प्रेजेंट होती है. इननेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है. ओके, तो इननेट इम्यूनिटी में हमारे पास ये इननेट इम्यूनिटी हमें बैरियर्स प्रोवाइड करती है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है. तो इननेट इम्यूनिटी में जो सबसे पहला बैरियर आता है वो होता है फिजिकल बैरियर. सो फिजिकल बैरियर में अब क्या क्या होंगे वो देखते हैं. फिजिकल बैरियर में एक तो होता है स्किन और दूसरा होता है म्यूकस. स्किन जो है वो हमें भी पता है कि हमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है. स्किन एक कवरिंग, एक शीथ की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग शीथ की तरह. और स्किन, हमारी स्किन में से एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल आती है जो सिर्फ कुछ माइक्रोब्स उसको सेंस कर पाते हैं और वो हमारी स्किन के आसपास नहीं आते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सभी माइक्रोब्स से हमको प्रोटेक्ट कर लेती है, वरना तो फिर हम बहुत अमर हो जाते हैं, हमें तो कोई डिजीज ही नहीं होती, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई भी माइक्रोब हमारे पास नहीं आता. सभी से नहीं, लेकिन कुछ कुछ माइक्रोब से हमको प्रोटेक्ट करके रख लेती है. ठीक है, दूसरी जो है फिजिकल बैरियर में वो है म्यूकस. तो म्यूकस कोटिंग जो है वो एपिथीलियल लिनिंग में प्रेजेंट होती है, मेजर ट्रैक्ट्स की एपिथीलियल लिनिंग. मेजर ट्रैक्ट्स मतलब जो इंक्लूड करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को. मेजर ट्रैक्ट्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी आता है और मेजर ट्रैक्ट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी आता है. तो इनमें जो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होती है इनकी एपिथीलियल लिनिंग में, एपिथीलियल लिनिंग मतलब ऊपरी सतह, उसमें जो प्रेजेंट होता है म्यूकस का कोटिंग, वो हमको प्रोटेक्ट करता है बाय ट्रैपिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स विच आर एंटरिंग इन आवर बॉडी. नेक्स्ट, इननेट इम्यूनिटी में जो नेक्स्ट बैरियर आता है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो इंक्लूड करता है एसिड इन स्टमक. हमें भी पता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, मोस्ट टॉक्सिक एसिड, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब से प्रोटेक्ट कर लेता है. अगर कोई माइक्रोब हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो वहाँ पे HCl जो है वो हमारे को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, वो उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने का, डिसॉल्व करने का काम करेगा. दूसरा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में है वो है सलीवा इन माउथ. सलीवा जो है हमारे माउथ में, उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है. थर्ड जो बैरियर है, फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है, उसके अंदर जो थर्ड थिंग आती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो है टीयर्स इन आईज. हमारी आंखों में जो टीयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू, जब भी हमारी आंखों से टीयर्स निकलते हैं तो उनके थ्रू बहुत से माइक्रोब, बहुत से इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, छोटे छोटे बारीक बारीक, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स जो एंटर कर गए हैं हमारी आंखों में, वो टीयर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी आंखें प्रोटेक्ट हो जाती हैं या फिर हमारी बॉडी में किसी भी रास्ते से वो एंटर नहीं कर पाते हैं, आंखों के थ्रू नहीं एंटर कर पाते हैं. नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर में इंक्लूड करते हैं WBC, सबको पता है वाइट ब्लड सेल्स, हमारी प्रोटेक्टिव सेल्स है बॉडी की जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं. इनको ल्यूकोसाइट्स भी हम लोग बोलते हैं. ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन, लाइक PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और PMNL में न्यूट्रोफिल्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर्स में जो कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है. ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं सेलुलर बैरियर में, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज. जो टिश्यूज के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं. फैगोसाइटोज, यानी कि फैगोसाइटोज खा जाते हैं माइक्रोब्स को, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं हमारी बॉडी से,
निकाल देते हैं, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। मैक्रोफेजेस जो टिश्यूज में प्रेजेंट हैं, WBCs जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। WBCs के भी दो टाइप्स, एक तो PMNL न्यूट्रोफिल्स, एक मोनोसाइट्स जो कि नेचुरल किलर टाइप हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स, वो सब। इननेट इम्यूनिटी में जो लास्ट बैरियर है वो है साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो एक प्रोटीन सीक्रेट करती हैं जिसे बोलते हैं इंटरफेरन, जो आसपास की जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है वो प्रोटीन उस फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। सो नेक्स्ट जो इम्यूनिटी का जो दूसरा टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। हमने जो पहले पढ़ा था कि इननेट इम्यूनिटी जो कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, एंड दिस इज पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस। ओके, तो ये कैरेक्टराइज की जाती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। दिस मीन्स जब भी हमारी बॉडी किसी भी माइक्रोब से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर की, तो उस टाइम जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी वो बहुत ही स्लो होगा, और उस रिस्पॉन्स को जो वो जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा, और उस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, मतलब फिर से उसी माइक्रोब से अगर बाद में हमारी बॉडी कभी भी एनकाउंटर करती है, या फिर उसी माइक्रोब से रेगुलर कॉन्स्टेंटली, मान लीजिए हमारी बॉडी 2-3 बार उसी से एनकाउंटर कर दी, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिलीज करेगी या फिर उसके अगेंस्ट जो शो करेगी रिस्पॉन्स, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे या फिर एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा, हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होगा। दिस एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आर बॉडी अपीयर्स टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि हमारी बॉडी के पास फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी सेल्स बन गई थी। मतलब हमारी बॉडी ने जब दूसरी बार वही माइक्रोब, वही पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, तो हमारी बॉडी ने उसको पहचान लिया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स दिया वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी का था, जिससे कि वो माइक्रोब डिस्ट्रॉय भी हो सकता है या फिर हो जाता है, काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट विच आर प्रेजेंट इन आर ब्लड। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हैं ये कौन कैरी आउट करते हैं? दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया तो उससे फाइट करने के लिए एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। जबकि टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स खुद से कोई भी एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करती, वो सिर्फ बी सेल्स को या फिर बी लिम्फोसाइट्स को मदद करती हैं जस्ट टू सीक्रेट दोज एंटीबॉडीज। अब हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी होती क्या है, कोई प्रोटीन। अब एंटीबॉडी किस तरीके की होती है, दिखने में कैसी होती है? तो एंटीबॉडी कुछ इस तरीके की होती है दिखने में, अगर आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें दो तो हैवी चेन्स होती हैं और दो लाइट चेन्स। ये देखिए, ये जो है ये लाइट चेन्स है, ये वाला जो क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट नहीं पा रहा। दो तो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स, इसीलिए एंटीबॉडी को एक रिप्रेजेंटेशन, इसका डिनोटेशन कैसे डिनोट किया जाए इसको, तो वो होता है H2 और L2 के थ्रू आप इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, IgA टाइप, IgE टाइप, IgG टाइप, IgM टाइप, ये कुछ उनके डिफरेंट टाइप्स हैं एंटीबॉडीज के। IgA टाइप जो हमारे कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? एक येलोइश फ्लूड जो लैक्टेशन के इनिशियल डेज में रिलीज होता है मदर की बॉडी से, और जो फीटस
जब फीड करता है तो वो कॉलिस्टम उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। उसमें IgA टाइप एंटीबॉडीज होती है जो कि फीटस को प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। IgE टाइप जो एंटीबॉडीज हैं वो एलर्जेंस, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है, एलर्जी जब हमें होती है तो उसके रेस्पॉन्स में रिलीज होती है IgE टाइप एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी का कार्टून हमने देख ही लिया। क्योंकि एंटीबॉडीज ब्लड में मिलती हैं तो ये जो रेस्पॉन्स है इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, बिकॉज ब्लड इज रिलेटेड, ह्यूमर वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड। दस क्योंकि ये एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट होती हैं इसलिए इनको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स बोला जाता है, और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है इसलिए इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडी मीडिएट कर रही है। ये दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इज जो दूसरे टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स है वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एंड द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट CMI। CMI को टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट करती हैं, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन मीडिएट करता है? टी लिम्फोसाइट्स। वहीं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन मीडिएट करता है? बी लिम्फोसाइट्स। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, वी ऑलवेज हैव द लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन जस्ट टू ट्रांसप्लांट। एंड ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली द रेमेडी लेफ्ट सो एज टू अनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। देन व्हाई इज दैट द ऑर्गन्स टेकन, व्हाई द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम एनीबडी, जस्ट एनीबडी, किसी से भी ऑर्गन्स क्यों नहीं ले लिए जाते? कोई भी अगर किसी भी ह्यूमन की कोई आई या फिर कोई हार्ट की कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है, फेल टू फंक्शन, फंक्शन नहीं करती है, तो फिर हम लोग ऐसे किसी से भी क्यों नहीं ले लेते ये ऑर्गन? तो उसका एक्सप्लेनेशन आगे ये दिया हुआ है कि ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स लाइक एनिमल, लाइक एन एनी प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन, क्योंकि क्योंकि ग्राफ्ट जो है वो लेटर या फिर सोनर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर सकती है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन, कौन सा बॉडी पार्ट हमारा है, कौन सा बॉडी का सेल हमारा है और कौन सा फॉरेन है। इसीलिए ग्राफ्ट, जिस भी टाइम ग्राफ्ट हम लोग लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कोई भी ट्रांसप्लांट लेते हैं ऑर्गन, तो उसे सबसे पहले उसमें टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग करवानी पड़ती है। और उसके बावजूद भी जो भी जिसमें भी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है वो बॉडी ऑर्गन, वो ग्राफ्ट, उस ह्यूमन बीइंग को पूरे लाइफ टाइम या फिर काफ़ी टाइम तक इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं जिससे कि वो ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो। कुछ ऐसी मेडिसिंस, कुछ ऐसी केमिकल्स जिससे कि वो ग्राफ्ट को हमारी बॉडी रिजेक्ट ना करे, जिससे कि हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, ये जो डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी हमारी बॉडी के पास सेल्फ और नॉन सेल्फ में, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट के रिजेक्शन में। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। वॉट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? जब कोई होस्ट या फिर कोई भी बॉडी, व्हेन इट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस, यानी कि एंटीजेंस की प्रेजेंस में या फिर उसकी बॉडी में कोई एंटीजन हम लोग इंसर्ट करें, विच मे बी इन द लिविंग फॉर्म, मे बी इन द डेड माइक्रोब्स फॉर्म और मे बी इन द अदर प्रोटीन्स फॉर्म, प्रोटीन फॉर्म्स, एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी एंड अपोजिट टू दैट, इन रिस्पॉन्स टू दैट,
द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जब किसी भी होस्ट को, किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी को हम लोग एंटीजन्स की प्रेजेंस में रखें, एंटीजन्स के एक्सपोजर में रखें, ठीक है, उसमें एंटीजन्स हम लोग इंसर्ट करें। अब वो एंटीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेड फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में, या फिर कोई अदर प्रोटीन्स की फॉर्म में हम लोग जब उसमें एंटीजन्स इंसर्ट करें, तो उसके रिस्पॉन्स में जब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, होस्ट की बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, इट टेक्स द टाइम, उसको टाइम लगता है अपना पूरा रिस्पॉन्स देने में, पूरा इफेक्ट दिखाने में। ओके, इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इन टू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या है? माइक्रोब्स को डेलिबरेटली इंजेक्ट करना ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इन टू द बॉडी, जब कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एक्सेस कर रहा हो, एंटर कर रहा हो ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पे, जब कोई वो अपनी अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है और वो कोई नई एक्टिविटी कर रहा है, इंड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी, उस टाइम एक्टिव इम्यूनिटी को वो इंड्यूस करता है। वो पैथोजन अगर कोई अटैकिंग एक्टिविटी करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होती है, तो वो क्या करता है, इंड्यूस करता है किसको, एक्टिव इम्यूनिटी को। इंड्यूस मतलब उसको पंप अप करता है, यानी कि स्टार्ट, वो एक ये समझ लीजिए कि पैथोजन सेंटर की, तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, इट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। जब किसी फॉरेन एजेंट से, फॉरेन माइक्रोब से फाइट करने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्टिव किसे कहा जाता है? जब हमारी बॉडी खुद उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज रिलीज करे, किसके रिस्पॉन्स में, कोई भी फॉरेन पैथोजन, कोई माइक्रोब, कोई प्रोटीन, उसके रिस्पॉन्स में। और जब हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज, उनको उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी और इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो और जिसमें इंजेक्ट किया जाए रेडीमेड एंटीबॉडीज को, उसको पैसिव और इसको एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट इज द येलोइश फ्लूड कोलेस्ट्रम, जिसकी मैंने पीछे डिस्कशन किया कि येलोइश फ्लूड कोलेस्ट्रम विच इज बीइंग सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जिस टाइम मदर बेबी को फीड कराती है, मिल्क फीडिंग, ठीक है, उस टाइम जो इनिशियल डेज, शुरुआती दिन जो होते हैं लैक्टेशन के, उस टाइम जो येलोइश फ्लूड रिलीज होता है, सिक्रीट किया जाता है, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो मदर सिक्रीट करती है, उसके अंदर अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है, कौन सी, IgA टाइप की। ओके, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। अदर थिंग, और कब कब होती है? द फीटस ऑल्सो रिसीव्स सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीटस की बॉडी में, मदर की बॉडी से कुछ एंटीबॉडीज जाती रहती हैं, फीटस रिसीव करता रहता है कुछ एंटीबॉडीज मदर की बॉडी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कि कहीं से रेडीमेड बन के आ गई हूँ, वो मिल गई हूँ किसी बॉडी को, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन ये किसके एग्जांपल से? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि मदर की बॉडी में तो नेचुरली बनी है ना, हालांकि है तो पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे इसको। और नॉर्मली जो इंजेक्शंस के थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि किसी पैथोजन जब एंटर किया तब हमारे बॉडी में उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनी उससे फाइट करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, सो नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी तो हमको पता चल ही गया पीछे कि इम्यून सिस्टम में मेमोरी का कितना बड़ा रोल है, ठीक है।
तो इन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो कहता है ना छोटे बच्चों को टीके लगते हैं बचपन में, साथ ये वही वैक्सीनेशन है। और अभी तो फिलहाल कोविड का लग रहा है, तो ये तो हम लोग खुद अपने, मान लीजिए किसी को अपना बचपन का तो किसको याद रहा होगा, लेकिन अब तो हम लाइव देख पा रहे हैं, हम लोग डेली लाइफ में रिलेट कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि हाँ भाई कोविड के जो वैक्सीन लग रहे हैं, इसे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो एंटीजन जैसा काम करें, ठीक है। और एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या रिलीज होते हैं मेरी बॉडी में, एंटीबॉडीज। तो प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, ठीक है, इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन, जिन पैथोजन को वीक कर दिया गया हो, वो क्या बन, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ वैक्सीन, ये किसका काम करती है, वैक्सीन का काम करती है। तो हमारे वो जो उसमें क्या होता है, वीकेंड पैथोजन होता है, आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में उनको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये भी देखा जाता है, हम लोगों ने सुना भी होगा कि बच्चे को जब वैक्सीन लगवाते हैं या फिर अभी हम कोविड की वैक्सीन लगवाए हैं, उसके बाद हमें बुखार आता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में वो वीकेंड पैथोजन उस पर्टिकुलर माइक्रोब का एंटर किया, एंटर किया तो उसने अपना असर दिखाया। तो अगर हमारी बॉडी में बुखार आ गए और फिर हम लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, ठीक है, किसी किसी के बहुत वर्स रिएक्ट भी कर जाता है ये, कभी कभी किसी किसी केसेस में ये बहुत, वैसे तो नॉर्मली वैक्सीन बनाई क्यों जा रही है, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई जा रही, तो कभी कभी मान लीजिए कि कोई मिस्टेक हो जाती है प्रिपरेशन में, तो उस टाइम वो पेशेंट में कोई गलत रिएक्शंस भी हो जाती हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद बुखार आता है, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम अब उसको उसके ऊपर ओवरकम कर देगा ना, तब वो वैक्सीन अपना असर दिखाएगी बाद में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी इन अगेंस्ट ऑफ दिस पैथोजन, इन अगेंस्ट ऑफ दिस एंटीजेंस, ओके, वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। अब इस टाइम एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो उन इस टाइम तो कर ही करेगा, इस टाइम तो उन पैथोजेनिक एजेंट्स को हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज रिलीज हुई हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर ही कर देंगी, ठीक है। साथ ही में द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट द मेमोरी बी एंड टी सेल्स, हमारी बॉडी में मेमोरी बी और टी सेल्स बन जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्मार्ट कह सकते हैं हम, इतना सेंसिंग कह सकते हैं, इतना सेंसिटिव है कि उसी टाइम उसकी मेमोरी बी एंड टी सेल्स बन जाती है, जो कि रिकॉग्नाइज कर लेती है पैथोजन को क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। बाद में अगर कभी वो पैथोजन हमें अटैक करेगा तो वो हमारी बॉडी की जो मेमोरी बी एंड टी सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और उस इन्वेडर को परास्त कर देंगी, उसको हरा देंगी विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एक मास में, एक लार्ज नंबर में जब एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट रिलीज होंगी तो उसको, उसके एक्सपोजर को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगे, उस सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पर उसके जो इफेक्ट उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल निल, न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस, अगर हमारी बॉडी या फिर किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर कोई डेडली डिजीज से इन्फेक्ट हो गया है, जैसे कि टिटनेस, जिसमें इंस्टेंट इंस्टेंट एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट है और लार्ज नंबर में रिक्वायरमेंट है, उस टाइम हम लोग वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन किसे कहते हैं, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एक प्रिपरेशन, एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। तो हमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करना पड़ता है उस डेडली डिजीज के अगेंस्ट, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स, ओके, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक विनॉम, स्नेक जो सांप का जो जहर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं उस इंजेक्शन में, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, जिससे कि वो स्नेक विनॉम का जो भी असर है वो खत्म हो जाए। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जिसमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाती है। अब डेडली डिजीज, टिटनेस, स्नेक बाइट्स, तो इनमें हम लोग वेट नहीं कर सकते,
बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है पेशेंट्स के लिए, उस पर्सन के लिए जो इन्फेक्टेड है, इसीलिए इनके लिए हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, अलाउ कर दिया प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन, पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट, उनके अंदर हम लोग ये बना सकते हैं एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी पैथोजन का बैक्टीरिया और यीस्ट में। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच, इस अप्रोच रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो अप्रोच यूज करके हम लोग जो वैक्सीन्स बनाते हैं, दे अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैज ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट तो लार्ज नंबर में है, ठीक है, तो इनके अंदर हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके। किसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, वैक्सीन्स का, और ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। एग्जाम्पल, हिपेटाइटिस बी वैक्सीन हैज बिन प्रोड्यूस फ्रॉम अ यीस्ट। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है, बहुत असरदार है और बहुत अच्छी है। इस टाइप में साइंस में ऐसी अलग अलग डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज एलर्जीज। व्हेन यू गो टू सम न्यू प्लेस, सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, व्हीजिंग और फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीजन, एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम डिसअपीयर्ड। डिड दिस हैपन टू यू? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट, द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी ऑफ पोलन, माइट्स एटसेट्रा विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो एलर्जी क्या होती है, हम कोई भी नई जगह गए, ठीक है, हम मान लीजिए 5 लोग हैं, हम लोग गए किसी नई जगह, वहाँ पे हम में से कोई 2 ने स्नीजिंग करना, विजिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ ऐसे एलर्जेंस, कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे कि वो उसके सेंसिटिव थे, वो लोग उस चीज़ से, ठीक है, उनकी बॉडी सेंसिटिव थी, तो उन्होंने स्नीजिंग विजिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो उस एरिया से थोड़ा दूर गए तो उनके वो सिम्टम्स डिसअपियर हो गए और बाकी 3 को नहीं हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब हम सबको ही होना ज़रूरी था वो, नहीं, एलर्जी जो है और एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको ही एक साथ होगा, ठीक है। तो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज नोन एज एलर्जी। एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का एक अलग सा रिस्पॉन्स, एकदम डिफरेंट सा रिस्पॉन्स, किसके अगेंस्ट, टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, में कुछ एंटीजेंस जो प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट, उसको एलर्जी बोलते हैं। और जिन सब्सटेंसेज के अगेंस्ट ऐसा हुआ है ना, इम्यून ने ऐसा रिस्पॉन्स शो किया है ना, ऐसा प्रोड्यूस किया ना रिस्पॉन्स, उनको बोलते हैं एलर्जेंस। एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज टाइप, तो दीज आर ऑफ आई जी टाइप। तो एंटीबॉडीज जो इनके लिए, एलर्जेंस के लिए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो आई जी टाइप की होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके, सो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर, क्या क्या हो सकते हैं प्रोबेबल, मोस्टली जो कह सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में पाए गए हैं, या फिर पहले कभी कोई स्टार्टिंग में जब ऐसा किसी को हुआ होगा, या फिर कोई रिसर्चेज हुई है तो उनमें जैसे मिला है, तो मोस्टली, मोस्ट कॉमनली जो मिलते हैं, माइट्स इन डस्ट, ओके, पॉलन्स, जानते हैं सब पॉलन फ्लावर्स, एनिमल डेंडर, वो जो एनिमल्स के ऊपर छोटे छोटे वहाँ मच्छर टाइप ऐसा कुछ कह सकते हैं, एटसेट्रा। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक, इवन वो जो हस्क जो होता है वो भी एलर्जन का काम कर सकता है, ठीक है, बाकी और भी बहुत से एटसेट्रा में तो बहुत आ गए। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आईज। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, स्नीजिंग, छींक आने लगेगी, आंखों में पानी हो भर जाएगा, रनिंग नोज, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन।
फ्रॉम मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, तब एलर्जी होती है, एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ दीज। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल प्रोबेबल एंटीजन्स, क्या क्या हो सकते हैं उनके सभी के स्मॉल स्मॉल डोजेस उसमें डाले जाते हैं, किसमें, पेशेंट में जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं। ओके तो जिसमें हमें देखना है कि भाई इसको एलर्जी किससे है, एंड द रिएक्शन सारी स्टडी, उसमें स्टडी की जाती है, रिएक्शन सारी देखी जाती है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टीरोइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है एलर्जी में, तो उसके अगेंस्ट एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, ऐसे सब स्टीरोइड्स वगैरह, ये जब हम क्विकली हमारे हमारी बॉडी में जब हम लोग इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो क्विकली जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के वो रिड्यूस हो जाते हैं। समहाउ मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी, आजकल की कहीं ना कहीं आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसने इम्यूनिटी को कम कर दिया है, एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, और हमें ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है एलर्जेंस के लिए। मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज बड़ी बड़ी सिटीज में जो बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट, क्योंकि इन बच्चों को एनवायरमेंट में बाहर नहीं निकला निकलने दिया जाता है। फिर कह सकते हैं कि बच्चे अंदर ही अंदर रहने से, नॉर्मल माहौल में रहने से, बाहर ना निकलने से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए एलर्जेंस के। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड इन अर्ली लाइफ, बचपन में ही उनको एकदम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अब चाइल्ड शुड बी नरिश्ड इन ऑल द पॉसिबल, जितने एटलीस्ट हमारे पास पॉसिबल सभी एनवायरनमेंट में उसको ग्रो कराना चाहिए, उसकी नरिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर मिट्टी में खेल रहा है तो लेट हिम प्ले, ऐसा नहीं कह रहे कि कहने में वो अगर मिट्टी खा रहा है तो उसे खाने दे, ऐसा नहीं, लेकिन उसको कम से कम वो बाहर के एनवायरनमेंट में वो थोड़ा पनपे, जिससे कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो पाए। एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी बहुत हार्मफुल होता है, और देखा भी जा रहा है कि जो दिल्ली है वहाँ तो कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अस्थमा के पेशेंट्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट बच्चे। ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल्फ सेल्स। ऑटो इम्यूनिटी कैसे कहते हैं, जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स, हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, जिनमें वो एबिलिटी हो कि वो डिफरेंशिएट कर पाए फॉरेन में और सेल्फ में, फॉरेन सेल्स में और सेल्फ सेल्स में, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। देर इज अ वर्ड, देर आर टू कॉरलरीज ऑफ दिस एबिलिटी आर दैट हैव बीन अंडरस्टूड। तो टू कॉरलरीज का मतलब होता है देर आर टू स्टेटमेंट्स, देर आर टू सिचुएशंस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो ऑटो इम्यूनिटी ये कहती है कि इट कैन रिकॉग्नाइज, या फिर हायर वर्टिब्रेट्स में ये जो एबिलिटी है, दिस कैन रिकॉग्नाइज, दिस हैज द एबिलिटी टू, दे हैव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। ऑन अनदर हैंड, समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक और बिकॉज ऑफ सम अननोन एंड अनएक्सप्लेन रीजंस, ह्यूमन बॉडी या फिर बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, बॉडी स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ सेल्स, मतलब हमारी बॉडी खुद ही खुद की सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सो दिस रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ आवर बॉडी एंड दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यूनिटी में जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स है पेंक्रियास में, उनको अटैक करना, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हमारी बॉडी में होती है। ये डिजीज, ये डिसऑर्डर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज, इट आल्सो इंक्लूड्स परनीशियस एनीमिया, दैट इज विटामिन B12, बिकॉज ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सो दीज आर द रिलेटेबल एग्जांपल्स
जैसे कि पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12, यू स्टडी इन विटामिन चार्ट जो केमिस्ट्री में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि और ये लर्न भी रह पाएगा आपको। ऑटो इम्यूनिटी से आप लोग विटामिन का भी एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि विटामिन B12 में पर्निशियस एनीमिया कोज करता है, और वो किसका एग्जाम्पल है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। ओके, सो नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम ऑफ इन द बॉडी। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, सोल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। एज यू हैव रेड, इम्यून सिस्टम इज अ यूनिक इन सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेज फॉरेन एंटीजन्स, रिस्पॉन्ड्स टू दीज एंड रिमेंबर्स देम। हमारे इम्यून सिस्टम क्या क्या करता है? फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उनको रिमेंबर रखता है, मतलब याद रखता है, और अगर कभी वो उनका एक्सपोजर होता है तो वो उनको रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी करता है। नेक्स्ट इज द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, इन ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक बात और, ऑटो इम्यूनिटी में हम लोग ये देखते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी में इन जनरल इसका जो क्योर है वो पॉसिबल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट, ऑटो इम्यून डिजीज का जनरली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज लिम्फोइड ऑर्गन्स। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैचुरेशन और एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता हो, ओरिजिन हो और उनका प्रोलिफरेशन हो। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड बोन मैरो एंड थाइमस। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इंटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। वहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट, किसमें डिफरेंशिएट करती है? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। आफ्टर द मैचुरेशन, मैच्योर होने के बाद लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। These are the secondary lymphoid organs where after maturation lymphocytes move. So they were the secondary lymphoid organs. So we have understood that in primary lymphoid organs, bone marrow and thymus, the immature lymphocytes are present, and the organs where the maturation एंड प्रोलीफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। प्रोलीफरेशन का मीनिंग होता है कि एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स का क्रिएशन होना, इफेक्टर लिम्फोसाइट्स का क्रिएशन होना, उसको बोलते हैं प्रोलीफरेशन। फिर हम मैचुरेशन के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आती हैं, उसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं, या फिर ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन्स। ये ऐसे साइट्स प्रोवाइड करते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे साइट्स प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पे इंटरेक्शन हो सके, किसका? लिम्फोसाइट का, किसके साथ? एंटीजन के साथ। विच देन प्रोलीफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स, और फिर वो प्रोलीफरेट होती हैं, वो क्रिएट करती है कि इफेक्टर सेल्स बनने के लिए उनमें क्रिएशन होता है, उनमें डेवलपमेंट होता है, फिर वो इफेक्टर सेल्स बनते हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर शोन। तो ये जो साइड में जो फिगर दिया हुआ है 8.5, इसमें अलग अलग लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन, उनकी लोकेशंस दी हुई हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स यहाँ हमें शोल्डर के आसपास नज़र आ रही हैं, जैसे थाइमस यहाँ हर्ट के पास बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे, यहाँ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है थाइस के पोर्शन में। ओके, सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. तो bone marrow एक main lymphoid organ है जहाँ पे lymphocytes plus में blood cells produce होती है। Thymus क्या है? एक lobed organ है। Thymus is the lobed organ where which is located near the heart and beneath the breast bone.
सो द थाइमस इज द क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ. जिस टाइम बर्थ होता है उस टाइम थाइमस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, बट व्हेन इट कम्स टू पुबर्टी इट रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज. बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स. बोन मैरो और थाइमस टी लिम्फोसाइट्स का एक माइक्रो एनवायरमेंट प्रोड्यूस कर प्रोवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए. स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप ऑर्गेन होता है, और हमें यह भी पता है कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे सभी डेड आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं. सो इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. यहाँ पे क्या क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं स्प्लीन में, और फैगोसाइट्स वो सेल्स जो डिस्ट्रॉय करती हैं अदर सेल्स को, यानी कि फॉरेन माइक्रोब को या फिर ऐसे सबको. यहाँ स्प्लीन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स. इट एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको ये ट्रैप करता है, ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है. कौन, स्प्लीन. स्प्लीन कैसा ऑर्गेन है, बीन शेप्ड, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गेन. ओके, थाइमस कैसा है, लॉब्ड, लॉब्ड ऑर्गेन है, लॉब शेप्ड. ओके ठीक है. लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर. लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, और स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच हैव लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर और अदर एंटीजन्स. जो अदर एंटीजन्स हैं या फिर माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए, जैसे स्प्लीन फिल्टर की तरह काम करता है वो ब्लड बॉन्ड को ट्रैप करता है, ऐसे ही लिम्फ नोड्स भी ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर एंटीजन्स को विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ और टिश्यू फ्लूड. तो ये लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूड के अंदर फिल्टर जैसा काम कर रहा है, ब्लड में स्प्लीन फिल्टर जैसा काम कर रहा है. क्या कर रहे हैं वो, माइक्रोब्स को एंटीजन्स को ट्रैप कर रहे हैं. तो ये हमारे सेफ गार्ड्स कह सकते हैं इनको. एंटीजन्स ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. तो जो एंटीजन्स लिम्फ नोड्स में ट्रैप हो गए वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं. वो कह सकते हैं कि हाँ वो एक जैसे कोई स्टार्ट, जैसे फ्यूल होता है, फ्यूल जो कि इंजन को स्टार्ट करने में काम आता है, उसी तरीके से ये जो एंटीजन्स हैं जो ट्रैप हुए हैं लिम्फ नोड्स में, ये एक फ्यूल जैसा काम करते हैं उस इंजन को स्टार्ट करने के. कौन से इंजन को, लिम्फोसाइट्स आर एक्टिंग एज अ इंजन ऑफ हियर. सो उन लिम्फोसाइट्स को वो एक्टिवेट करता है एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स, और फिर उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है. देर इज अ लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन लिनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स. और हमने पहले भी डिस्कस किया था मेजर ट्रैक्ट्स को किस किस को इंक्लूड करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स को और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल दैट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को. तो देर इज अ लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लिनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, इनकी लिनिंग में प्रेजेंट होता है, कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि म्यूकोसा से एसोसिएटेड. हमने पढ़ा था कि म्यूकोसा कोटिंग एपिथेलियल लिनिंग में प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें माइक्रोब्स से, ट्रैप करती है वो माइक्रोब्स को. तो इन म्यूकोसा से एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं उनको बोलते हैं माल्ट, और ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन बॉडी कवर करते हैं. हमारी बॉडी के 50% लिम्फोइड टिश्यू कौन कवर करते हैं, माल्ट, यानी कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज 50% हमारी बॉडी के लिम्फोइड टिश्यूज का कवर करते हैं, 50% वो और 50% बाकी अदर लिम्फोइड टिश्यूज जो अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेजेंट है. ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.